किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नुजीविडू की दो बहुत ही अच्छी किस्मों की, मोती और 2491 की। बहुत ही शानदार किस्में हैं। बात करेंगे इनकी संपूर्ण वैरायटी किस्म की जानकारी और मिट्टी कैसी हो, सिंचाई और इसकी जो विशेषताएं खासियत हैं, संपूर्ण इसके ऊपर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, मैं हूं LR चौधरी, आप देख रहे हैं खेती डिस्कवरी। चलते हैं किसान भाइयों, बात करते हैं नुजीविडू सीड कंपनी की कपास की दो बहुत ही अच्छी टॉप किस्मों की, जिसके अंदर एक है मोती और दूसरी है 2491, यानी कि 2491। दो कपास किस्मों की बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मोती किस्म की बात करते हैं। ये हल्की से दरमियानी मिट्टी में एक कामयाब किस्म है। ये कम पानी की, कम सिंचाई की किस्म है, यानी कि 3 से 4 मात्रा सिंचाई की इसे ज़रूरत पड़ती है। ये फुलेसरियम विल्ट टॉलरेंट देसी कॉटन हाइब्रिड बीटी कपास है। पौधों की ऊंचाई इसकी जो है लगभग 164 सेंटीमीटर रहती है, यानी कि 164 काफ़ी ऊंची हाइट हो जाती है। टिंडे इसके बड़े आकार के होते हैं और लगभग 165 दिनों में ये किस्म पककर तैयार हो जाती है। यह मिनिमम 8 क्विंटल और मैक्सिमम 13 क्विंटल इसका जो इल्ड है, वजन है, प्रति एक एकड़ के हिसाब से है। इस किस्म को आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के अंदर लगा सकते हैं और जो इसके बुआई का समय है वो 10 अप्रैल से लेकर 30 मई तक है। चलते हैं किसान भाइयों, अगली किस्म की बात करते हैं। अगली जो किस्म है वो है 2491, यानी कि 2491। इसे सिम सिम के नाम से भी जानी जाती है। यह भारी मिट्टी के लिए उपयुक्त किस्म है। पानी इसमें 3 से 4 पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके टिंडे बड़े आकार के होते हैं। रस चूसक कीटों के प्रति ये सहनशील किस्म है। शुरू से फूल और टिंडे बनने इसके शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इस किस्म में विल्ट जैसी रोग जो है, झुलस रोग है, वो नहीं आता है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, पेड़ की तरह होता है। टिंडे लड़ियों में लगते हैं इसके। इसका जो कद है 6 फुट से लेके 8 फीट तक बहुत ऊंची हाइट चली जाती है इस किस्म की। इसकी बुआई आप 10 अप्रैल से 30 मई तक कर सकते हैं और लगभग 165 दिनों में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म को आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है गुजरात और हिमाचल, जम्मू के अंदर भी इस किस्म को लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी दोनों किस्मों की नुजीविडू सीड कंपनी की दो अच्छी किस्मों की जानकारी। अगर इन दोनों किस्मों के रिगार्डिंग या अन्य किसी किस्म के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। अन्य बहुत सारी किस्मों की जो जानकारी है हम अपलोड कर चुके हैं और आगे भी एक एक वैरायटी की जो जितनी भी अच्छी किस्में हैं उनके रिगार्डिंग हम जो जानकारी अपलोड कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।